ये भेलूपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने यह हत्याकांड को अंजाम दिया। पत्नी समेत तीन बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार से अलग रह रहा था शराब कारोबारी। हत्याकांड के बाद से आरोपी राजेंद्र गुप्ता फरार है। कारोबार को बढ़ाने के लिए पूरे परिवार की ही हत्या कर दी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी का मामला है। ऐसे बेवकूफ लोग और ऐसे इंसान और ऐसे तांत्रिक इस दुनिया में मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस तांत्रिक को वो कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिसने एक परिवार का खात्मा करने के लिए इस बेवकूफ को मानसिक रूप से इस स्थिति में पहुंचा दिया, जिसने अपने परिवार को गोली मारने में कोई हिचक नहीं की। इस तांत्रिक और इस व्यापारी को कड़ी से कड़ी सजा दिए बिना ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके के लोग इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देते रहेंगे। उस परिवार, उस पत्नी और उसके बच्चों की क्या गलती थी? पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, ये घटना कब की है और कैसे साबित हुआ कि किसी तांत्रिक के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है? जी देखिए, यह घटना जो है परसों देर रात की बताई जाती है और इसकी सूचना कल मिलती है, क्योंकि जिस जहां जो घटना स्थल है वहां पे लगभग 40 कमरे का मकान था जिसमें दर्जनों की संख्या में किराएदार रहते थे। और जो किराएदारों से हमने बातचीत की थी ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि सुबह जब काम करने वाली आती है तो वहां देखती है कि परिजनों की हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद वो दौड़ के किराएदारों को बताती है और पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो जैसा कि डीसीपी से हमने बात की, इंडिया न्यूज ने जब बात की, तो डीसीपी ने बताया कि जो मृतक की माँ है उनका कहना था कि वो आए दिन विवाद करता था और उसने ही जो है अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है। जो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि तांत्रिक के कहने पे हत्या, ये कयास है या हकीकत है? पंकज, पहले तो ये साफ कीजिए कि तांत्रिक के कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, हम जो बात कहेंगे, हम जो कहेंगे वो पुलिस के अनुसार कहेंगे। पुलिस का ये कहना था कि अभी ये जांच का विषय है कि तांत्रिक के कहने पर हत्या की गई है या उसपे अवैध संबंध कोई कारण रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो बातें छन के आ रही हैं वो ये कही जा रही है कि तांत्रिक ने कहा था कि उसके कार्य में उसके पत्नी और उसके बच्चे बाधा कर रहे हैं, उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो जानकारी के मुताबिक लगभग 7 से 8 लाख। पंकज, एक काम करें पंकज, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, थोड़ा तस्वीरें भी दिखाएं, कहाँ है घर, थोड़ा बाहर से अगर तस्वीरें आप दिखा सके। देखिए बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि हम सड़क पे हैं और जो घर के अंदर, जैसे वहां पे पुलिस का पहरा लगा है, पुलिस वहां पे भी मीडिया को फटकने नहीं दे रही है। जिस तरीके से जो इतनी जो है जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, और उसके बाद एक पहलू और बताना चाहेंगे कि कल ही जो है एक और शव मिला है, जो कि बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की थी, राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने, वो शव उसका है अभी। हालांकि पुलिस ने अभी उसमें भी कुछ टिप्पणी करने से परहेज किया है, उसमें भी पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। तो ये पूरी जांच का विषय है, क्योंकि फोरेंसिक टीम ने भी पूरे जो है साक्ष्य एकत्रित किए हैं। बड़े अफसरान जो है बनारस कमिश्नरेट पुलिस के, वो मौके पे पहुंचे थे और कुछ भी मीडिया से उन्होंने बात करने से परहेज की है। अब ये पूरे जांच का विषय है कि उसके बाद क्या तथ्य सामने खुल के आते हैं। जी, क्या तथ्य खुलकर उसके बाद सामने आते हैं? अभी कितनी टीमें बनाई गई हैं इस बारे में पुख्ता करने के लिए? एक तो ये वो शव किसका है, दूसरा अगर ये भागा है, फरार हुआ है, तो क्या सर्विलांस के जरिए पता किया जा रहा है? और ये भी कि क्या इस व्यवसायी के फोन कॉल रिकॉर्ड के जरिए पिछले 2-3 दिन पहले वो किस किस के संपर्क में रहा, क्या ये भी जानकारी जुटाई जा रही है? बिल्कुल बता दें आपको कि 5 टीमें गठित की गई हैं। उसकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। पूरा पुलिस जो है एक एक कदम फूंक के रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक शव मिला अर्धनिर्मित मकान में, जो कि बताया जाता है कि जो हत्यारोपी राजेंद्र गुप्ता उसका शव है। हालांकि संदर्भ में पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है कि वो शव किसका है, पुलिस अभी बात करने से परहेज कर रही है।
वही मैंने बताया कि सब जांच का विषय है, इसलिए पुलिस कुछ भी कहने से अभी परहेज कर रही जब तक पूरी चीजें जो है पुख्ता नहीं हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस मर्डर में बहुत बड़ी मिस्ट्री है और मिस्टीरियस मर्डर पूरी जो हत्याकांड हुआ है पूरा रहस्यमयी हत्याकांड है। जिस तरीके चार परिवार के चार जनों की हत्या होती है, उसके बाद बताया जाता है कि जो शव मिला है वो जो हत्यारोपी का शव है। और आपको एक चीज और बता दूं, कुछ हत्यारोपी राजन गुप्ता पर पहले भी आरोप था, 1997 में उसने अपने पिता की हत्या की थी, उनके गार्ड की हत्या की थी। और हम उनके पड़ोसियों के अनुसार बात करें तो उनका कहना था उसने अपने छोटे भाई उसकी पत्नी की भी संपत्ति विवाद में हत्या करवाई थी। तो इस तरीके तमाम चीजें जो तमाम पहलू जो है पुलिस उस पर जो जांच कर रही है, क्योंकि हत्यारोपी जो है 10 से 12 साल जेल में रहने के बाद अभी पेरोल पे छूट के कुछ ही दिन पुराया था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद भी इसको पुलिस देख के चल रही है। दूसरा तांत्रिक के कहने पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिसके पास 8 लाख रुपए महीने की आमदनी हो, दो दो शराब के ठेके चल रहे थे, तीन तीन मकान में लगभग दर्जनों की संख्या में किरायेदार थे, वहां से किराया उतरता है, तो ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं संदेह का बहुत बड़ा जो है ये शंका घेर रही है। जी अभी फिलहाल क्या पोस्टमार्टम हो गया है इन डेड बॉडीज का, और जो परिवार के लोग हैं क्या वो वहाँ पर पहुँचे हैं महिला के या ननिहाल पक्ष से या दूसरे लोग? देखिए परिवार के लोग जो अगर हम बात करें जो मृतक जो महिला थी उनके जो ननिहाल के लोग बच्चों के वो सब कल ही पहुंच गए थे, पर मीडिया से किसी ने भी बात नहीं करी, मीडिया से दूरी बनाए रखी और पुलिस ने भी हिदायत दी थी मीडिया से दूरी बनाए रखे, तो परिजनों से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जो पड़ोसी हैं उनके वो भी मीडिया के समक्ष कैमरे पे आने से परहेज कर रहे हैं, उनके किरदारों से भी हमने बात करी कैमरे पे तो नहीं ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि काफी दबंग किस्म का व्यक्ति था। आखिरी बार कब जिंदा देखा गया पूरे परिवार को, क्या कुछ पता चला? जी देखिए जो बताया जा रहा है कि वो परिवार से अलग रहता था और वो देर रात में ये घटना को अंजाम दिया गया है, तो वही मैंने कहा कि ये जो पुलिस ने कहा है कि बहुत ये मिस्ट्री है और इसमें तमाम पहलू को देखते हुए जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ही कुछ इसमें तथ्य सामने आएंगे। जिस तरीके से ये भी बताना चाहूंगी एक बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़ा व्यक्ति था, उस संदर्भ में पुलिस ने कहा कि ये भी जांच का पहलू है, इसमें भी जांच की जा रही है। तो तमाम इसमें पहलुओं को जोड़ के देखा जा रहा है कि इस हत्याकांड में आखिर कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे उसका मास्टरमाइंड है, तांत्रिक के कहने पे हत्या की गई है या संपत्ति का विवाद है या अवैध संबंध है, इस तरीके की तमाम बातें हैं और ये सब बातें जो जांच के बाद खुलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के साथ।